पूर्णिया में प्रेम प्रसंग में फरार हुई लड़की अचानक पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। आज सुबह तक जहां परिजन इसे अपहरण का मामला बता रही थी, वहीं लड़की का कहना है कि उसने प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी गौरव के साथ भागकर मंदिर में शादी रचाई है। मामला सहायक खजांची थाना के नवरतन मोहल्ले का है। लड़की के भाई की माने तो कल पड़ोसी युवक गौरव सिंह ने उसकी बहन पूजा का जबरन अपहरण कर लिया था, लेकिन आज शादी के जोरे में दुल्हन बनी पूजा अचानक अपने वकील के साथ एसपी कार्यालय पहुंच गई। पूजा ने कहा कि उसने अपनी मर्जी से गौरव के साथ शादी रचाई है, अब वह उन्हीं के साथ रहना चाहती है। अपहरण नहीं, गौरव कहाँ पे रहता है? क्या प्रेम प्रसंग का मामला? कितने दिन से चल रहा है? इसकी जानकारी परिवार को थी? नहीं थी। तो आप क्या चाह रहे हैं अब शादी के बाद? क्या चाह रहे हैं? कहाँ पे शादी की आप लोग? सिरसिया मंदिर में शादी की है। लड़का का क्या नाम है? कब शादी? कब शादी? कब हुई थी? वहीं इसकी जानकारी मिलते ही पूजा के भाई माता पिता एसपी कार्यालय पहुंचे और लड़की को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की पहल पर लड़की को कोर्ट के लिए ले जाया गया। हम कल सिस्टर को छोड़ने के लिए गए, मेरे अंकल के घर बगल में है। तो क्या हुआ कि उधर एक हमको दो लोग बुला लिया एड्रेस पूछने के लिए, तो हम एक बार नहीं गए, फिर बहुत फोर्स करके बुलाने लगा। तो सिस्टर मेरी वहाँ तक गेट तक पहुँच गई थी तब, और एक अंकल भी थे वहाँ पे गाड़ी साफ कर रहे थे। तो फिर हम चले गए उधर, तो उतना देर में क्या हुआ कि हम बोल दिए कि हमको एड्रेस नहीं पता है क्योंकि हम यहाँ रहते नहीं हैं। यही बात बोल के हम अपने घर में घुस रहे थे, मतलब कि तो बाउंड्री वाल से, तो वो चिल्लाई वहाँ से आवाज़ दी हमको, गोलू गोलू। तो हम पीछे मुड़ के देखे तो हमको लगा अंदर घुस गई, तो आवाज़ दी। उतना देर में स्कॉर्पियो का गेट लगा, खूब फुल स्पीड में चला गया। कौन? वही स्कॉर्पियो वाला। तो फिर हम तुरंत अपना स्कूटी निकाले, अंदर था मेरा स्कूटी, तो हम तुरंत स्कूटी निकाले, पीछा किए। वहाँ पे जाने के बाद हमको पता नहीं चला कि किधर स्कॉर्पियो वाला गया। तो एक आदमी बोला कि इस तरफ गया एक लोग, तब हम पूरा जाके उधर तक देखे, फिर बस स्टैंड में जाम लगा हुआ था। तो फिर हम वहाँ से टर्न हो गए। मामले की जानकारी थाने को दिए? हाँ, फिर हम पापा को बताए, पापा फ़ोन किए, फिर थाना में गए हम लोग, थाना में रिपोर्ट लिखवाए। फिर उसके बाद फिर सब जगह फ़ोन कर रहे थे सब, उसमें हम सीसीटीवी फुटेज में आया कि गौरव सिंह नाम का एक लड़का है, उसी का फुटेज आया, और एक सोनू सिंह है उसका फुटेज आया। फिर क्या किया वो लोग? अपहरण किया है मैंने, हाथ पकड़ के खींच लिया है सोनू सिंह। वहीं इस मामले को लेकर सदर एसडीपीओ आनंद पांडे ने कहा कि लड़की खुद आकर बयान दे रही है कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से भागकर प्रेमी के साथ शादी की है। ऐसे में पुलिस अब लड़की का 161 और 164 का बयान दर्ज कराएगी। लड़की जैसा कहेगी कोर्ट के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। लड़की का नाम पूजा कुमारी है और उसका उम्र लगभग 24 वर्ष है। वो गौरव कुमार के किसी लड़के से उसका नज़दीकी था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। तो जैसा कि सीसीटीवी फुटेज से भी दिखा और फिर लड़की भी हम लोगों के सामने आई और सारी चीज़ें स्पष्ट हुई कि ये प्रेम प्रसंग का ही मामला है, कोई अपहरण का मामला नहीं है। अब लड़की बरामद हो गई है, पुलिस के सामने उपस्थापित हो गई है, तब 161 और 164 का बयान कराया जाएगा। उसके बाद फिर जो जिस तरह से लड़की का बयान आता है उस आधार पर अधिकतर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।